सत्संग जी, प्यार से कहना टाम न क्या जी। आज यहाँ जो सत्संग में सभी उपस्थित मन के भाव सभी के, कि ये दातार, ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, जहाँ पे भी एक मन का विश्वास, ये आस्था, ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं, तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है, और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे, कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है, और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी, तो ही एक तत्व एक इस्टैब्लिश होगा, और ये एकमिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था, और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है, और वो ही आनंद में भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही, या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है ये, तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है, इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है, और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो ये बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है, और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आँख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति? तो संतों ने एक बहुत ही
सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो। ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहें। तो कैसे फिर हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा, और ये शांति फिर वही अवस्था जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई कोई अच्छी बात बोल रहा है उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है, और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है, और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियां, वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे, और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा,
और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के, तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा। क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है, तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है, पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है, फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा, तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम भुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमेक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है, और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहां वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा सुमिरन सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग दिल गलत रास्ते नहीं जाता, फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण, एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव, फिर बिना मतलब के पूरे संसार के लिए खुद को समर्पित करके मानवता के कल्याण के लिए। तो सेवा सुमिरन सत्संग द्वारा इस परमात्मा को याद रखा जा सकता है, ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। सत्संग जी दान गाजी।